वेलकम फ्रेंड्स, आज जो है पार्ट 7 जो है कवर अप करने वाले हैं। इस वीडियो हमारा एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसमें जो हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक बच जाएगा सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, वो भी पढ़ लेंगे। इस वीडियो में जो हम SDR के बारे में, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है एक रिपोर्ट होता है, आपको नाम से ये पता चल रहा है कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट मतलब ह्यूमन का डेवलपमेंट की रिपोर्ट। ह्यूमन का डेवलपमेंट हम लोग जानते हैं कैसे कैसे होगा, एजुकेशन चाहिए, हेल्थ चाहिए, फिर कब पर कैपिटा इनकम चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, जो HDR होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो होता है, उसको पब्लिश करने का काम कौन करता है? UNDP। आप सोचेंगे UNDP क्या है, तो UNDP का फुल फॉर्म जो होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये एक ऑर्गेनाइजेशन टाइप का होता है जिसमें करेंटली जो है 193 मेंबर्स हैं। ठीक है, इस समय की अगर बात करें तो, और टोटल जो है कंट्रीज का मेंबर ऑफ कंट्रीज में हम लोग देखे हैं UNDP के, तो 188 कंट्रीज जो है अभी इसका मेंबर है, मतलब वन। ठीक है, तो जो UNDP जो है ये पब्लिश करने का काम करती है HDR को। HDR जो होता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कैसे बनाती है UNDP, ये क्या करती है? HDR रिपोर्ट जो होता है वो तैयार कैसे होता है? सबसे पहले जो कंट्री है, अगर कंपैरिजन करना होगा तो देखना होगा कि ये जो कंट्री का डेवलपमेंट कितना हुआ या फिर यहाँ के पीपल्स का डेवलपमेंट कितना हुआ, तो उसके लिए तीन बेस चाहिए होता है, हेल्थ, एजुकेशन और पर कैपिटा इनकम। ठीक है, इसी के बेस पर जो है UNDP जो है एक रिपोर्ट तैयार करती है, किसी कंट्री का जो है रिपोर्ट तैयार करती है, उसी रिपोर्ट को हम लोग HDR रिपोर्ट कहते हैं। और एक HDI होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो जैसे एक रिपोर्ट तैयार किया जाता है, उसमें बताया जाता है कि हाँ लाइफ एक्सपेक्टेंसी इतनी है, लिटरेसी इतनी है, तो वही जो इंडेक्स तैयार किया जाता है ह्यूमन का, वही होता है HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड एंड यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।